नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों पड़े रहते हैं। दोस्तों, आप ये सब जरूर सोचते होंगे अगर आप रेल की यात्रा करते हो कि रेल की पटरी के बगल इतने सारे पत्थर क्यों पड़े रहते हैं, इनकी जगह दूसरी चीज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। आज तक आपने रेल में जितनी भी पटरियों को देखा होगा, उन सभी में आपको नुकीले पत्थर ही जरूर दिखे होंगे। हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि रेल ऐसा क्यों करता है जिसमें से हर तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े रहते हैं। दोस्तों, लोग यकीन नहीं करेंगे जो मैं बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रेल कितने का एवरेज देती है और ट्रेन की आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखते रहें। दोस्तों, रेल की पटरी पर जो होते हैं ढेर सारे पत्थर, उनके पांच बड़े कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं, चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। नंबर वन, ट्रैक पर बिछे पत्थर। पटरी के नीचे लगे कंक्रीट बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने पर मदद करते हैं। आप देखते होंगे कि पटरियों के अगल बगल बड़े बड़े पत्थरों के टाइप में पड़े रहते होंगे, उनको टस से मस नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है। यदि ट्रैक पर या पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थित नहीं रह पाएंगे और ट्रेन का वजन संभालने में दिक्कत होगी। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ट्रेन काफी ज्यादा भारी है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पत्थर रखे जाते हैं कि इतना ज्यादा ट्रेन का वजन है, इसी को हैंडल करने के लिए पत्थर अच्छे से रखे जाते हैं। नंबर टू, यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक पर घास और पेड़ पौधे भर जाएंगे। अगर ट्रेन के ट्रैक पर पेड़ पौधे जो हैं उगाएंगे तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर बिछाए जाते हैं। नंबर थ्री, जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है, इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। ये सबसे बड़े कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फोर, पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। ये चौथा बहुत बड़ा कारण था। नंबर फाइव, पटरी पर बिछे वाले पत्थर जो होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो पाए, यानी कि वहाँ पे आसपास पानी ना जमा हो सके, बरसात का पानी या फिर कोई और प्रकार का पानी। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों में होते हुए ज़मीन पर चला जाता है, इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक के पीछे पत्थर पानी से बहते नहीं हैं और वहीं पर जमे रहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं, वो भी थोड़े बहुत पत्थर नहीं, ज्यादातर पूरे लगातार पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपके दिमाग में से ये क्वेश्चन हट जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में कि रेल की पटरी पर इतने सारे पत्थर क्यों बिछाए होते हैं। दोस्तों, ये पांच बड़े कारण थे, क्योंकि रेल की पटरी कोई आसान पटरी नहीं होती है, उस पर कई टन की ट्रेन उतर के जाती है, वहां से उसके ऊपर चढ़ के जाती है। सो ये बहुत बड़े कारण हैं यहाँ पे पांच जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में अगर कोई सवाल नहीं बचा होगा, तो अगर बचा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है ट्रेन की पटरी या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।